हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से जो जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खास और बहुत ही फैक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि इसकी जानकारी खुद मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी नुस्खे बताऊंगी, ये नुस्खा पहले के नुस्खे यानी दादी अम्मा इसको यूज करती थी ताकि उनके पैर यानी एड़ी एकदम बढ़िया रहे। तो आपको क्या करनी है, आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी एड़ी एकदम से कोमल हो, एकदम मुलायम, तो आप क्या करें। अगर आपके पैर में से ब्लड, आपकी एड़ी में से ब्लड निकल रहा है, सूजन हो गया, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप क्या करें, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लेनी है अम्मा हल्दी। फिर आप ये कहीं भी, किसी आप शहर हो या देहात हो, ये कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा ये अम्मा हल्दी। ये पहले के जो दादी अम्मा होती थी वो यूज करती थी ये अम्मा हल्दी। तो ये अम्मा हल्दी जो होता है थोड़ा कड़ा होता है, आपको दुकान पे आराम से मिल जाएगा। तो ये आपको अम्मा हल्दी लेनी है और उसका पाउडर आपको बना लेना होगा फ्रेंड्स। और उसमें आपको मिक्स क्या क्या करनी होगी, आपको उसमें मिक्स करना है टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी। आपको हल्दी मिक्स करनी है, आपको आधा चम्मच आपको उसमें हल्दी मिक्स करनी है। और फ्रेंड्स, आपको मिक्स करनी होगी आपको मोम, हाँ फ्रेंड्स मोम, आपको उसमें मिक्स करना है मोम। और सारी चीजों को आपको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद आपको किसी भी बर्तन में आपको स्टोर करके उसको रख, और फिर अगर रात में सोने से पहले आपको अपने पहले पैर को अच्छे से आपको धुलना है, साफ कर लेना, फिर आपको सुखा लेना। सुखाने के बाद आपको आपको एड़ी में उसको अच्छे से, जैसे आप मलहम लगाते हो किसी भी स्थान पे मलहम लगाते हो, वैसे आपको अच्छे से उसको उस घाव को भरना होगा। और भरने के बाद आपको ओवरनाइट ऐसे छोड़ देना होगा। और आपको जैसे आपको ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगा, आपको दर्द वर्द नहीं करेगा। और आपको उसको अच्छे से भरना है, भरने के बाद आपको ओवरनाइट ऐसे छोड़ देना है। और फिर अगर आप इस टिप्स को अगर प्रयोग कर रहे हो हफ्ते में, डेली कर रहे हो, आप रोज कर रहे हो, आप रोज भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई खराब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप रोज भी कर सकते हैं। तो आप ये आपकी एड़ी एकदम से कोमल हो जाएगी और फिर आपको फटने का तो कभी नाम ही नहीं लेगा, आपकी एड़ी एकदम से कोमल हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप सावधानी आपको बरतनी तो पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होता है आपकी एड़ी, तब तक आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप खूब मस्ती करो, बिना स्लीपर के आप रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब तक आपकी एड़ी ठीक नहीं होती है, तब तक आप क्या करें, स्लीपर पहन के रखें और अपने पैरों पे पूरा विशेष ध्यान दें, क्योंकि धूल मिट्टी से बचाए अपने पैर को, उस पर मिट्टी ना लगने दे। और जब भी आप बाहर जाए तो अंदर आए, घर बाहर से घर में आए, तो आप अपने पैर को अच्छे से धुल लें, किसी भी साबुन या किसी शैम्पू से अपने पैर को ब्रश के सहायता से अपने एड़ी को अच्छे से धुल लें, पैर को धुल लें, ताकि उस पर मिट्टी ना लगे रहे। और फिर अपने पैर को वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ये नुस्खा, फ्रेंड्स ये हमारे नुस्खे से अगर आपको लाभ मिले, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो नुस्खा है ना, ये रामबाण के जैसे काम करता है। ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, ये हमारी दादी अम्मा जो हमें बताई है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो इसीलिए हमने सोचा कि आप लोग को भी बता दें, ताकि आप लोग को भी जो भी प्रॉब्लम है आपकी एड़ी को लेके वो ठीक हो जाए। तो अगर हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए या इसकी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू के बने हुए लाइक को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी इफेक्टिव वीडियो लेके आऊँ तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।